किसी भी न्यूज चैनल की सफलता के लिए केवल न्यूज सेक्शन का ही हाथ नहीं होता, बल्कि जुड़े हुए होते हैं वो लोग जो आपको नहीं दिखाई देते कभी कैमरे के सामने। मंच न्यूज की शुरुआत पर जब हम उन लोगों से बात की तो खिले उठे चेहरे और उन्होंने दिल से दुआ दी मंच न्यूज चैनल को। दोस्तों कहते हैं हर सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, जैसे एक चैनल की सफलता के पीछे जान होती है उनके साथी जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, जिनको आप शायद कभी देख नहीं पाते। हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग हमारे साथी हैं। ये वो लोग हैं जो चैनल के असली हीरो कहलाते हैं, लेकिन कभी अपने आप अपना चेहरा कभी सामने नहीं लाते हैं। उनसे बात करेंगे, आज शुरुआत हुई है तो बहुत उत्साह सा दिखाई दे रहा है मुझे उनमें। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मंजू उस्ताद से, बहुत पुराने अनुभवी एसईओ रहे हैं आप, तो जो है आज मंच न्यूज की शुरुआत है, क्या उम्मीद करते हैं? बड़ी खुशी है। और उम्मीद क्या करते हैं? फर्स्ट क्लास चलना चाहिए। और क्या क्या चीज होनी चाहिए? सब जगह की न्यूज वगैरह सब आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी पूछूंगा कि आप चैनल शुरुआत हुई है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी टीम, नेट विजन की टीम और मंच न्यूज की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं अपने चैनल से, मंच न्यूज से, के मथुरा की जो भी समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन असली हीरो आप ही लोग होते हो हमारे, और आप लोग मेहनत करते हो, हमारे कनेक्शन बढ़ाते हो, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपके सामने, जन समस्याएं भी आती हैं, उनको भी आप कोशिश करते हो दिखाने की, लेकिन कभी कभी शिकायत भी मिल जाती है कि नहीं हो पाई, तो बड़ी हताशासी होती है। किस तरह की परिस्थिति में सामना करना पड़ता है आपको, आप बताइए। चलिए, मैं पहली बात तो मंच न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, जिनने की मथुरा में आज अपना प्रोग्राम नेट विजन के द्वारा हम दिखाएंगे, लोकल न्यूज के द्वारा। बहुत समस्याएं हैं जो दिखाई नहीं जाती हैं लोकल न्यूज पर। आज अपने शहर में हर जगह कहीं चले जाओ गंदगी मिल रही है, मगर वो सामने नहीं दिखाई जा रही है। आजकल तो चुनाव का दौर है, नेताएं घर घर जा रहे हैं, तो दिखाने की नगर निगम भी बन चुका है मथुरा, मगर वो चीज़ सामने दिखाई नहीं जा रही। बिल्कुल, मुझे आशा ये है कि हमारा जो मंच न्यूज है, छोटी से छोटी परेशानी मंच न्यूज पर ला कर टीवी पर दिखाएगा पब्लिक के सामने, पब्लिक की जो समस्याएं होंगी वो प्रमुख होता है। बिल्कुल सही कहा, पब्लिक की समस्या प्रमुख रहती है, और हम भी आपसे भी जानेंगे आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं, आप बताएं आप कुछ उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए नया? नहीं, नेट विजन से और मंच न्यूज से हम बहुत उम्मीद करते हैं, और मेरे बड़े भाई सौरभ यादव जी का एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जाने पे मंजिल की तरफ, लॉक मिलते गए और कारवा बन गया। तो हम उसी बात को कहते हैं कि सौरभ यादव जी ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, और आज हम सब लोग साथ में खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारा कारवा बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और हम इस मिशन को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, और पब्लिक की छोटी सी छोटी चीज को जो ऊंचे स्तर पर ले जाकर के सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा, और हमारे टेक्निकल स्टाफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे, और उनसे भी हम काफी कुछ उम्मीदें भी रखते हैं, और लेकिन ये वो लोग हैं आज जिनको आप देख रहे हैं जो कभी टीवी स्क्रीन के सामने नहीं आते। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मंच न्यूज को मथुरा में अपनी पारदर्शिता के लिए। उम्मीद करेंगे आगे आने वाले समय में और चैनलों से थोड़ी अपेक्षाएं हमें इस न्यूज मंच से कुछ अधिक है, क्योंकि पारदर्शिता में सारी न्यूज लगाई जाएंगी। जैसा कि प्रशांत यादव जी ने कहा कि घटनाक्रम होते हैं परंतु दिखाई नहीं जाते हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक दबाव रहता है या फिर राजनीतिक दबाव, हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि मंच न्यूज में इस तरीके का कुछ भी ना हो और पारदर्शिता के साथ पूरी पत्रकारिता की जाए। बिल्कुल सही बात, और मथुरा को एक नई पहचान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ यादव जी को। आपका कुछ सुझाव रहेगा मंच न्यूज के लिए? सर, मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे सभी भाई बहन मिलकर ये मंच न्यूज खुला है, और उसमें मैं भी सहयोगी हूँ। बिल्कुल, और मैं इस न्यूज चैनल से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी सच्चाई है वो कभी छुपे ना, और किसी भी दबाव या प्रेशर में वो किसी के दबाव में रहे नहीं, वो खुल के सामने आनी चाहिए, और सभी लोगों के सहयोग से हम जितने भी भाई लोग हैं पूरी मेहनत करेंगे इस मंच न्यूज को सारे चैनलों से और आगे अच्छी बुलंदी और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा टेक्निकल स्टाफ था, और हमारे मंच के जो है एलसीओ थे, और एक साथी युवा साथी हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, कुछ नया हो सकता है इसमें? और सबसे पहले तो मैं मंच न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और इस मथुरा में जो नया चैनल आया, हम बारी बहुत खुश हैं, इससे पहले भी चैनल चले हैं उनसे भी बहुत बारी खुश हैं, और जो सच्चाई जो भी मथुरा में वो सब निकल के आए, जो राजनेता है वैसे हैं गंदगी है और सब
ठीक से चले, बस यही हार्दिक शुभकामना देता। बिल्कुल, टेक्निकल स्टाफ दिन में रात में धूप बरसात में लगा रहता है और LCO हमारे चाहे कितनी भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, हमेशा दर्शकों का हमेशा ख्याल रखते हैं और उनकी जो प्रसारण का है उसमें बाधा ना आए उसके लिए निर्बाध प्रयास करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक और शख्स होता है जो एंकर को या रिपोर्टर्स को हीरो बनाता है, वो होता है एडिटर। हमारे साथ मौजूद हैं SP सिंह, बहुत अनुभवी एडिटर हैं। मैंने देखा आपसे मेरा कुछ दिन का साथ रहा, मैंने बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला, और कुछ क्या नया अच्छा हो सकता है इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं अपने सभी मंच न्यूज के जो भी हमारी टीम है हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया और आज हम एक बहुत बड़ी टीम बनकर सामने उभर कर आए। बिल्कुल, जैसे कि आपने जो मंच न्यूज की स्टैंडिंग की है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाना। आगे जो भी हमारे नेता हैं उनके पास तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है तो उसको उभार कर देना। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य सभी का विकास करना है, जिससे जितने भी ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे उनका विकास होगा, साथ में हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति है उसको कुछ बढ़ावा इससे मिलेगा। मेरा एडिटर का जो कार्यभार है वो आप लोगों ने मुझे सौंपा है इसमें मंच न्यूज के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरफ से आपको वो अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, जो कि अदर न्यूज़ चैनल्स पर आपको देखने को नहीं मिलती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपको मिलेगी। तो मंच न्यूज के माध्यम से आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। मंच न्यूज के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ये मंच केवल मंच न्यूज ना रह जाए, ये मंच हो आपकी आवाज का, ये मंच हो आपकी शक्ति का, या आपकी आवाज इस मंच न्यूज के माध्यम से हम आपकी आवाज को पहुंचाने की अधिकारी तो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।